जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? वेलकम बैक टू माय चैनल नसर अमीर मिनी ब्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं चाय से, चाय और रस के साथ। जी जब तक मेरा नाश्ता मुकम्मल होता है तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। हाँ तो भाई अब आ गए हैं मैच खेलने सिद्दीकी ग्राउंड, जो कि हमारे घर के बहुत ही करीब लगता है, परवेज राय पार्क के साथ बिल्कुल। आओ अपने आप को दोस्तों से मिलाता हूँ। ये है अदील। अदील भाई क्या हाल है? क्या हाल है भाई? तबीयत से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मांगना है? पांच। और आपका? देखो क्या हाल है अदील भाई, आप हार गए। पांच आया है, अदील जीत गया और हमारी पहली बारी है। हम बैटिंग करेंगे, हम बैटिंग करेंगे। तो जी अब हमारा एक दोस्त अरसनान, जिसे हम प्यार से बिल्ली वाला कहते हैं, ये मैच का अंपायर बनने जा रहा है। तो जी है अन्ना, जो कि दोनों साइड से खेलेगा, यानी कि लल्लू कट्टा है। तो जी पहली बार हमें निकराई और ये शॉट लगी और ये कैच हो गया। तो अब इसके बाद जाएंगे अदील बैटिंग के लिए। तो जी अब नुमान के बाद दूसरे बॉल खेलने जा रहे हैं खानू बिल्ला और ये दूसरी बॉल वाइड चली गई। तो जी खानू बिल्ला भी हो गया आउट। अब मैं और अदील सामने बैटिंग पे हैं। ये तीसरी बॉल मुल्ला पिच पर उतर चुके हैं और ये उतर, ये बॉल भी मिस हो गई। तो जी खानू बिल्ला और मानू के बाद मैच जीतने की उम्मीद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन मैंने और अदील ने मिलकर 45 रन बनाए। पहला मैच तो बड़ी मुश्किल से जीत गए। उसके बाद मेरी तबीयत हो गई ख़राब और मेरे को वॉमिटिंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से मैं दूसरा मैच तो नहीं खेल पाया और घर वापसी आ गया। उसके बाद उन्होंने दूसरा मैच खेला था लेकिन हार गए। तो जी एक मैच खेला वो तो जीत गया, उसके बाद थकावट की वजह से और भूखे रहने की वजह से वॉमिटिंग शुरू हो गई थी। तो एक मैच खेले वो जीत गया, दूसरा खेल नहीं पाया, प्लर नजर आने लग गया था। इसलिए आ गया था घर। वो तो उन्होंने दूसरा मैच खेला लेकिन वो हार गए। एक मैच में जितवा के आ गया था। अब आया हूँ इधर दोबारा मेडिकल हॉल पे। पहले बताया था मेरे खालू का आज उन्होंने काम जाना था, तो मैं 2 घंटे के लिए आ गया हूँ। उसके बाद जाएंगे जुम्मा पढ़ेंगे और देखेंगे आगे। तो जी अब आ गए हैं नमाज़ पढ़ने और ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, हमारे बड़े बताते हैं कि ये हमारे दादा परदादा वगैरह ने बनाई थी। तो जी अब यहाँ पढ़ते हैं नमाज और नमाज के बाद आपसे मिलते हैं। जी नमाज वगैरह पढ़ लिया है और मगरिब का टाइम हो रहा है, अजानें भी हो रही हैं। और जब मैं कमरे से बाहर निकला हूँ तो देखो मौसम कितना औसम है, पर चेक करो बहुत VIP सी हवा चल रही है। और ये देखो झंडे कैसे हिल रहे हैं, कैसी हवा चल रही है, बहुत ही मज़ेदार। रोजाना ऐसा मौसम रह जाए ना मज़ा ही आ जाए। अब बाहर निकलते हैं, कुछ खाते पीते हैं क्योंकि व्लॉग भी एंड करना है ना यार। बाहर निकल के देखा तो मजमा लगा पड़ा था, मैंने कहा कोई 400 वगैरह चल रहा है। जब नज़दीक जाके देखा तो लूडो चल रही थी। तो जब हम आ गए खाना खाने तो हमने तवा पीस और बारबेक्यू पीस का ऑर्डर दे दिया है। इनका तवा पीस और बारबेक्यू पीस बहुत ही लाजवाब होता है, ये आपको मिल जाएंगे मुमताजाबाद डाक खाने के बाहर। और ये मगरिब के बाद अपना स्टॉल लगाते हैं और रात 12-1 बजे तक खड़े रहते हैं। तो जब हमारा ऑर्डर लग के आ चुका है, देखने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब लग रहा है। लास्ट टाइम हमने खाया था पिछले सर्दियों में और आज खा रहे हैं, तो टेस्ट करके बताते हैं आपको आज इनका टेस्ट कैसा है। तो जी कह ले कि मज़ा आ गया, चास आ गई है। खाना तो टेस्टी बहुत था लेकिन हमने कहा आइसक्रीम भी हो जाए, तो हम आइसक्रीम खाने आ गए इराम आइसक्रीम पर, जो कि वो भी बिल्कुल साथ ही है इनके डाक खाने को बाहर, यह भी मौजूद है। इनका टेस्ट भी बहुत लाजवाब है। तो जी आज का व्लॉग हम एंड करते हैं पान पर, तो लाइक और फॉलो करते जाना और हाँ बेल के आइकन को दबाना मत भूलना।